सीधी सी बात से मैं दो लाइन कहना चाहता हूं कि तीन महीना के अंदर हाईकोर्ट के डिसीजन के बाद ये डिसीजन लागू होना चाहिए कि 12 एमएलए को डिस्क्वालीफाई किया है हाईकोर्ट, वो लागू हो जाना चाहिए। जब लागू नहीं हुआ तो इलेक्शन कमीशन के दफ्तर में हमारे सभी एमएलए के साथ मैं भी गया था, हमने इलेक्शन कमीशन से अर्ज किया, उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने अपना ओपिनियन ऑनरेबल गवर्नर ऑफ मणिपुर को कम्युनिकेट कर दिया। उससे एक महीना हो गया, आज हमारे दो महीना हो गया, हमारे विधायक लोग मिलना चाहते हैं गवर्नर से उस बारे में जानकारी लेने के लिए, विधायक लोगों को मिल नहीं रहे। आप देखिए कितना विलंब बना, एक राज्य का गवर्नर वहां के विधायक लोगों से मिल के जो भी ओपिनियन है बता देने की जरूरत है, वो बता नहीं रहे। इसीलिए आज हमें आना पड़ा और महामहिम राष्ट्रपति जी से हमने निवेदन किया है, दरखास्त किया है, उन्होंने कहा उस पर वो आवश्यक जरूरत स्टेप लेंगे और महामहिम जी से अच्छी बात हुई। हम आशा करते हैं कि देश के संविधान का इतना अवमानना नहीं होना चाहिए। जो है कॉन्स्टिट्यूशनल ऑथोरिटी, जो भी है, एक राज्य का गवर्नर नहीं मिले विधायक लोगों से, कब तक नहीं मिलेंगे, ये कैसी विडंबना है, ये सोचने वाली बात है। और अगर नहीं होगा तो मणिपुर कांग्रेस पार्टी सड़क पर आंदोलन कर रही है ऑलरेडी और उसको व्यापक करेगी। राष्ट्रपति ने आपको क्या आश्वासन दिया और आपको क्या लगता है कि जो है गवर्नर आपको इसकी बात नहीं सुनी? नहीं, यही बात है कि कोई एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल ऑथोरिटी उन पर दबाव डाल रहा होगा। भाई इलेक्शन कमीशन कम्युनिकेट कर चुका है ओपिनियन, उस जो भी ओपिनियन हो उसको कम्युनिकेट कर देना चाहिए विधानसभा को, एमएलए लोगों को, जो पिटिशनर्स हैं उनका तो हक है ना जानने का। यहाँ पिटिशनर्स हैं जिनको कम्युनिकेट करना चाहिए, जो कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं, विधायक डेलीगेशन हमारा ऑपोजिशन पार्टी के विधायक दल मिलने जाना चाहते हैं गवर्नर से, इसको जानकारी लेने के वो समय नहीं दे रहे हैं। यहाँ पर मणिपुर हाउस में 15 दिन वो रहे और ये लोग भी रहे, हमारे एमएलए लोग भी रहे, और वहां पे भी मिलने का कोशिश की, एक भवन में रह के मिले नहीं। तो क्या ऐसे चलता है? लगता है गवर्नर साहब प्रेशर में काम कर रहे हैं सेंटर के, आप लोग कैसा लग रहा है? जरूर बीजेपी के सरकार का दबाव है। एक तो 21 में सरकार बनाए और दूसरा हमारे एमएलए विधायक लोगों को तोड़ के बनाए उसी समय, और आज जब 12 लोगों को ओबलाइज किए, पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी लॉ को इग्नोर करके ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में आज गए 12 लोग और उनको हाईकोर्ट ने डिस्क्वालीफाई किया, हाईकोर्ट का डिसीजन को लागू नहीं करना। और बहुत शर्म की बात है कि अभी एक फोटो रिलीज हुआ था कि जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ हाईकोर्ट और दो जजेस वो चीफ मिनिस्टर से मिलने गए हैं और चीफ मिनिस्टर के साथ उनका फोटो निकला है और चीफ मिनिस्टर ऑफिस से वो फोटो को सर्कुलेट किया गया। मैंने इस तरह से क्या न्यायालय को अपमान किया जाए? महामहिम से आप लोगों ने इस बारे में बातचीत की? हमने इस बारे में बातचीत किया, उनके सामने रखा है, वो आश्वासन दिए हैं कि वो जरूरत कदम उठाएंगे।